Good evening, friends. Welcome back जिनको इस चैनल पर दोबारा आए हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए वेलकम. तो मैं आज के रेल न्यूज़ प्रेजेंट करने से पहले हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि आपके वीडियोस थोड़ा लंबे होते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो उसमें तकरीबन 20 से 25 न्यूज़ कवर करता हूँ. तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको पार्ट्स में बनाऊँगा और हर वीडियो में तकरीबन 10 न्यूज़ कवर करने की कोशिश करूँगा. इस तरह से आपकी न्यूज़ भी नहीं छूटेगी और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली खबर जो आ रही है कि 2021 तक पूरा हो सकेगा उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन पर कार्य. तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अहमदाबाद से उदयपुर तक का मीटर गेज लाइन थी जिसको अब ब्रॉड गेज कर रहे हैं, और जिस भी किसी ऐसी लाइन में देरी होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है कि उस रूट पर कई सारी या कई मुश्किल टनल्स पड़ती हैं, और टनल्स बनाने का काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. तो इसके चलते ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. और सांसद के सवाल पर रेल मंत्री ने जवाब दिया है कि अभी तक 1291 करोड़ यानी तकरीबन 1300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. और अभी कल जो रेलवे का बजट आया है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है. अभी जैसे इसकी पिंक बुक्स आ जाएंगी तो मैं हर एक जोन वाइज एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसको डिटेल में देख सकें. अगली खबर है, रेल मंत्री से मिले डॉक्टर निशिकांत गौड़ा को मिलेंगी ये नई 3 ट्रेनें. तो ये आजकल चुनाव के बाद से जैसे ही बजट आने वाला था तो लगभग हर सांसद अपने क्षेत्र के लिए रेल परियोजनाओं और ट्रेन्स की डिमांड के थ्रू मिल रहा है. तो इन्होंने हावड़ा से देवघर व भागलपुर के लिए ट्रेन की डिमांड की है, और अगस्त में ही गोंडा से पाकुल रेल लाइन का शिलान्यास कराने की बात की है, ताकि नवंबर दिसंबर में गोंडा से बटेश्वर स्थान तक रेल लाइन का भी काम पूरा कराने की मांग की है. अगली खबर है, ये जो मैंने आपको पिछले रेल न्यूज़ में भी बताया था कि ललितपुर से सिंगरौली तक की जो रेल लाइन है, जिसमें अभी तक ललितपुर से खजुराहो का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, खजुराहो से सतना और सतना से सिंगरौली का काम होना अभी बाकी है. उसी बीच खजुराहो से सतना के बीच में सीधी करके एक रीवा सिंगरौली लाइन पर पड़ता है, और वहाँ पर स्टेशन का काम चालू हो गया है, और चालू सत्र में 325 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी. बाकी काम धीरे धीरे चल रहे हैं, पर स्टेशन बिल्डिंग का काम आप फोटोज़ में देख सकते हैं चालू हो चुका है. तो ये अच्छी खबर है उस जगह के लोगों के लिए. सीधी में कई सारे पावर प्लांट भी हैं, तो रेलवे को बाद में इससे बेनिफिट भी होगा. अगली खबर है, ये एक नई हम सफ़र की रैक स्पॉट की गई है दिल्ली सफदरगंज स्टेशन पर, और ये हो सकता है जो न्यू दिल्ली इलाहाबाद दुरंतो है उसकी जगह इसको चलाया जाए, क्योंकि रेलवे का प्राइम फोकस है दुरंतो और गरीब रथ को हटाकर उसकी जगह हम सफ़र या कोई दूसरी सर्विस शुरू करने का. अगली खबर आ रही है कि अब जो बिहार के लोग हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, लिट्टी चोखा, उनको चूड़ा दही काफ़ी पसंद होता है, और इसी के चलते IRCTC ने अनाउंस किया है कि अब वो ट्रेन में भी, रनिंग ट्रेन में भी लिट्टी चोखा आपको खिलाएगा. तो अच्छी बात है, और इसके बारे में भी बताया गया है कि लो कैलोरी हाई फाइबर आटा ओट्स चीला है सबसे स्वस्थ नाश्ता, तो उसकी अच्छी बात है बिहार के लोगों के लिए. अगली खबर ये है, ये मैं रोज रेल न्यूज़ में कम से कम एक खबर तो मुझे ऐसी मिली जाती है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक जो है उसमें क्रैक है जो तकरीबन 1.5-2 इंच का है, और पुराने ज़माने में जैसा कि आपने अगर पढ़ा हो कि रेल की दो पटरियों को जॉइंट करते थे तो उनके बीच में गैप देते थे, ताकि गर्मियों में उनके फैलने के कारण पटरियां मुड़े नहीं. उसके बाद एक कंटिन्यूस रेल का कॉन्सेप्ट आया जिसमें 2-3 किलोमीटर तक रेल लाइन वेल्डेड होती है, हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा सेक्शन में कट लगा होता है कि अगर इनकेस पटरी फैल रही है या उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई तो बाद में उसको वो गैस कटर से कट करके फिर से ज्वाइंट कर दें.
इससे ट्रेन इस रूट पे थोड़ा फास्ट चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली ट्रैक में क्रैक आ गया है और ये कभी भी किसी भी ट्रेन के डरेलमेंट का कारण बन सकता है। तो इसको रिपोर्ट किया गया और इसके बाद जो वहाँ पर गैंगमैन की नज़र पड़ी उसने इसको रिपोर्ट किया और उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। एक और अच्छी खबर आ रही है, जो शिमला कालका ट्रेन चलती हैं उनमें कुछ समय पहले विस्टा डोम कोच इंट्रोड्यूस किए गए थे। विस्टा डोम कोच वो होते हैं जिनकी छत पर कांच लगा होता है ताकि आप बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकें और उसका आनंद ले सकें। अब आप देख सकते हैं कि इसी तरह ये कोच में पर्दे लगे हुए हैं, कुछ चेयर्स हैं, मतलब एक इसका जो लुक है थोड़ा थोड़ा महाराजा एक्सप्रेस जैसा बनाया गया है। और इसके बारे में बोला गया है कि इसमें 8 लोगों की बुकिंग होगी और हर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब पूरा कोच ही बुक होगा। और उसके बाद बच्चों के 5 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका पूरा टिकट लगेगा। तो देखते हैं। अगली खबर आ रही है, पवन एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों का परिचालन जयनगर से शुरू होने की उम्मीद। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका पवन एक्सप्रेस दरभंगा तक जाती है और जयनगर तक जो मीटर गेज लाइन थी उसको ब्रॉड गेज किया गया है। आगे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में मीटर गेज है और उसके बाद एक नई लाइन, मतलब इसको एक्सटेंड करके कहीं पे कनेक्ट करेंगे। तो ये काम पूरा हो चुका है, ट्रेन्स भी वहाँ चलने लगी हैं। तो जैसे कि इंदौर से कई सारी ट्रेनें मऊ तक एक्सटेंड की जा रही हैं ताकि इंदौर स्टेशन पे बर्डन कम हो, इसी तरह दरभंगा जंक्शन का बर्डन कम होगा और कई और ट्रेनें जयनगर से चल पाएंगी। अगली खबर है, जो वैशाली में रेल हादसा हुआ था उसमें 6 की मौत हुई थी, 80 लोग घायल हुए थे। तकरीबन 11 डिब्बे पटरी से ड्रेल हो गए थे। उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें निकल के आया कि जो वहाँ के लोकल लोग थे, ग्रामीण लोग, उन्होंने 1 महीने पहले ही पटरी धसी होने की सूचना रेलवे को दे दी थी, पर रेलवे ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे के 2 घंटे बाद पहुंची थी रेलवे की टीम और इससे स्थानीय लोगों ने बचाव राहत कार्य शुरू किया था। तो काफ़ी अच्छी बात है, जब भी हम सुनते हैं कि कोई एक रेल हादसा होता है तो बचाव टीम को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, उस बीच जो आसपास के लोग होते हैं वो मदद के लिए आ जाते हैं। और एक इस मेरे मैं आपसे घटना शेयर करना चाहूँगा। 95 की घटना है, मेरे एक टीचर थे वो अपनी डॉटर को लेके जा रहे थे दिल्ली एम्स में दिखाने के लिए। उसी बीच ट्रेन हादसा होता है और उनका कोच दूसरे कोच पर चढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल LHB रैक में जो CVC कपलिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, बट ये जो नॉर्मल कन्वेंशन कोच होते हैं उस केस में होता है। तो उनका कोच जब सुबह तक, रात के समय 2:30 बजे तकरीबन हादसा हुआ था और जब सुबह 5 बजे तक लोगों ने देखा कि कोच नहीं गिर रहा है नीचे, तब फिर लोगों ने वहाँ पे जाके मदद पहुँचाई और इस तरह से वो सही सलामत बच पाए थे। तो अच्छी बात है। अब एक और खबर आ रही कि स्टेशनों की सफाई पर के तरीकों पर बनेगी फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म या एडवर्टाइज फिल्म टाइप इसमें बनाएंगे और जबलपुर स्टेशन से इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो स्वच्छता पर काफ़ी जोर देती है और इस बार के बजट में ये भी कहा गया है कि आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारत को हम खुले में शौच से मुक्त कर देंगे। एटलीस्ट पेपरों पर पे तो ये हो ही जाएगा, फिर भी अगर कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रह जाएंगे तो उसको ज़रूर किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे, जैसा कि आप सब जानते हैं जिसने भी वहाँ ट्रैवल किया है, काफ़ी सेंसिटिव रेल लाइन है, हिल एरिया है और काफ़ी अनयूजुअल रेन भी होती है जिस कारण कई बार लैंडस्लाइड होता है। और रेलवे मानसून सीजन में अलग से रेलवे का मानसून टाइम टेबल लाती है जिसमें हर ट्रेन 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती है, क्योंकि उस रूट पर गाड़ियाँ स्लो चलाना पड़ती हैं। अभी उसका डबल उसको कर रहे हैं और स्टेशंस पे वाईफाई दे रहे हैं ताकि जो टूरिज्म है, जो लोग गोवा जाते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट भी हैं, वो भी उस एरिए का लुत्फ़ उठा पाएँ। तो उसके चलते कोंकण रेलवे को काफ़ी मॉडर्नाइज किया जा रहा है
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और आगे की न्यूज़ को डिटेल दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डेली बेसिस पर रेल न्यूज़ चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।